पर गियर विथ 20 डिग्री. सो 20 डिग्री इज बेसिकली द प्रेशर एंगल है ना. सो अल्फा इज गिवन 20 डिग्री. ठीक है, प्रेशर एंगल कौन कौन से होते हैं जरा बताओगे? 14.5, 20 और 20 स्टब, और एक और होता है कंपोजिट ना. चार तरह की गियर प्रोफाइल्स रहती हैं. एक होती है कंपोजिट, एक होती है 14.5 डिग्री है ना, और एक होता है 20 डिग्री, और एक होता है 20 डिग्री स्टब. नाम सुने हैं आपने इन सबके? यस और नो? यस सर. ओके, तो चलिए जरा कंपोजिट के बारे में बताइए. ये कंपोजिट प्रोफाइल क्या होती है, मतलब एनी आइडिया अबाउट दिस कंपोजिट प्रोफाइल? देखो प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल किसके किसके बीच का एंगल होता है जरा बताओ. एक तो टेंजेंट लाइन होती है, दोनों गियर्स की टेंजेंट लाइन होती है, पिनियन और गियर, उनका एक टेंजेंट लाइन होता है टीटी डैश, और एक कॉमन नॉर्मल होता है ना, कॉमन नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल है ना. इधर से भी टूथ आ रहा है, इधर से भी टूथ आ रहा है, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होता है, तो दिस इज द कॉमन नॉर्मल एन एन डैश. सो दिस इज द प्रेशर एंगल अल्फा. तो 14.5 डिग्री में अल्फा 14.5 हो जाएगा, इसमें 20 डिग्री हो जाएगा, इसमें अल्फा कितना हो जाएगा 20 डिग्री सिस्टम में? एनीवन? इसमें भी अल्फा 20 डिग्री ही रहेगा है ना. तो स्टब का मतलब क्या है? स्टब का मतलब तो सीधा सीधा एक तरह से टूथ को हम ऊपर से क्या करते हैं, थोड़ी सी इस पोर्शन को कट कर देते हैं है ना, इस पोर्शन को क्या कर देते हैं, हल्का सा हम कट कर देते हैं. तो कट करने से क्या होता है, इसकी हाइट रिड्यूस हो जाती है, एच जो भी टूथ की हाइट होती है दैट इज रिड्यूस्ड डिस्टर्ब करने की वजह से. सो व्हेन द हाइट इज रिड्यूस्ड तो मूवमेंट इज रिड्यूस्ड. मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. तो डिस्टेंस एच कम हो जाती है फोर्स है ना. सपोज फोर्स इज कमिंग, टेंजेंशियल फोर्स इज पीटी है ना, एंड दिस इज एक्टिंग एज ए कैंटिलीवर. So the moment is PT multiplied by H, and when the H is reduced, so moment is reduced. When the bending moment is reduced, so bending stress is reduced. So sigma B is reduced. So when the sigma B is reduced, my tooth is more safe. मेरा tooth क्या हो जाएगा? ज़्यादा safe हो जाएगा. भाई जब मेरे ऊपर stress कम आएगा, then I am more safe. मेरा factor of safety बढ़ जाएगा. So I am more safe. So 20 degree stub is more safe than 20 degree, normal 20 degree. मेरा question ये था कि what do you mean by this composite profile? है ना, कोई आपसे पूछे तो composite के बारे में आप इतना जरूर बता देना कि composite profile जो होती है वो एक mix profile है. It is a mix profile. है ना, mix profile से मतलब ये हुआ कि ये इसके अंदर cycloid और involute दोनों ही curve involve होते हैं. ठीक है, गियर की प्रोफाइल में साइक्लॉइड और इन्वॉल्यूट दोनों ही लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करते हैं. ठीक है, लॉ ऑफ गियरिंग क्या है? कॉमन नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट. ठीक है ना, आपने पढ़ा है द कॉमन नॉर्मल एन एन डैश मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट है ना, फॉर द स्मूथ पावर ट्रांसफर फॉर ए फिक्स्ड वेलोसिटी रेशियो. सो इन कंपोजिट प्रोफाइल the profile of the gear is a mixed profile. It is the combination of the involute and cycloid. ठीक है, at the जैसे gear के top पर पता लगा cycloid profile है, bottom पर cycloid profile है, और in between involute profile है. So composite profile is a mixed profile. अब हमारे question पे आते हैं. ये किस पर gear है हमारे पास? थोड़ा सा मैं इसकी ink clear कर लेता हूँ. I have a spur gear with pressure angle 20 degree. है ना, फुल डेप्थ इज ट्रांसमिटिंग 20 है ना. फुल डेप्थ का मतलब ये स्टब नहीं है, इट इज नॉट स्टब, इट इज नॉर्मल 20 डिग्री. ट्रांसमिटिंग 20 किलोवाट, सो पावर इज गिवन. 200 रेडियंस पर सेकंड, सो ओमेगा इज गिवन 200 रेडियंस पर सेकंड. द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द गियर इज 100 mm, सो कैपिटल डी इज 100 mm. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द गियर, गियर के ऊपर जैसे गियर का ये टूथ है तो इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है ना, दैट फोर्स इज 100, हाउ मच दैट फोर्स इन द रेडियल डायरेक्शन. अच्छा, दिस इज द फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड दिस इज द फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन.
Fr. So the magnitude of the force applied in the applied on the gear in the radial direction is, it is interested in Fr. तो हमें Fr निकालना है. क्वेश्चन हमसे क्या निकलवा रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द गियर इन द रेडियल डायरेक्शन. चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 1.39, 2.78, 0.36, 0.73. ठीक है, तो रेडियल फोर्स कैसे निकालो? एनीवन हैव आइडिया? तू बताओ कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे रेडियल फोर्स? तो देखो बहुत आसान है, रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स में एक रिलेशन होती है ना? तो रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स में एक रिलेशन होती है, एफ आर इक्वल टू एफ टी टेन अल्फा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियल फोर्स एंड द टेंजेंशियल फोर्स फॉर द स्पर गियर. ठीक है, अब इस एफ टी को हम कैसे निकाल सकते हैं? एफ टी को निकालने के लिए हमारे पास क्या है? एम टी यानी कि टॉर्क. ठीक है, टॉर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ द गियर. ये तो टॉर्क होता है, फोर्स इनटू रेडियस इज द टॉर्क. तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो है वो टॉर्क डिवाइडेड बाय रेडियस से निकल जाएगा. ठीक है, अब ये टॉर्क हम कैसे निकाल सकते हैं? टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास है 60 × 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई पावर डिवाइडेड बाई 2πn. एन इज द रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम. सो वी कैन फाइंड 60 × 10⁶ मल्टीप्लाइड पावर. How much power is given in our question? 20 kilowatt, na? 20 kilowatt it is given. So I will use 20 over here divided by 2π × n. So n is the RPM. So here velocity, angular velocity is given in radians per second, na? It is not given in revolutions per minute. So I will change it. Omega equal to kya hota hai? 2π n/60. तो 2π n/60 इज गिवन 200. यहां से मैं n कैलकुलेट कर लूंगा, 200 × 60 डिवाइडेड बाई 2π. तो ये मेरा क्या हो गया? RPM हो गया, है ना? तो ये कितना हो गया? 2 से ये 30 टाइम्स कट हो गया, 30 × 200 हो गया 6000. 6000 डिवाइडेड बाई पाई. मैं यहां पर अब यूज करूंगा 6000 डिवाइडेड बाई पाई. पाई से पाई कैंसिल. ठीक है, ये जीरो से जीरो कैंसिल, और सिक्स से ये जो है 100, ये जीरो भी कैंसिल हो गई. 6 × 10 = 60. ठीक है, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट इज द आंसर फॉर द टॉर्क? बताइए, टॉर्क कैलकुलेटर पे बताइए. कैलकुलेटर आप लेके बैठे होंगे. व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर द टॉर्क? निकालिए. 60 × 10⁶ मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2π n. बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है? एनीवन जिसका आंसर आ गया हो कैलकुलेटर से? हाँ, 100,000 आ रहा है, 10⁵, है ना? तो द आंसर इज 10⁵. सो टॉर्क की वैल्यू हमारी आ गई 10⁵ न्यूटन मिलीमीटर. ठीक है, टॉर्क निकल गया. अब हमें चाहिए रेडियस. तो डायमीटर इज गिवन, पिच सर्किल डायमीटर इज 100, डी इक्वल टू 100, सो आर इक्वल टू डी बाई 2, सो इट इज 100/2, सो इट इज 50 mm. So I can write it over here. तो यहां से मैं टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकता हूँ. सो टेंजेंशियल फोर्स इज गिवन बाय एम टी मीन्स 10⁵ डिवाइडेड बाय रेडियस. रेडियस इज 50. सॉल्व इट. ये कितना आ रहा है? आई थिंक इट इज 20,000 और 2000. इट इज 10⁵ डिवाइड बाय 50 करिए. 2000 आ रहा है. 2000, यस. So it is 2000 and the unit is newton. So it is 2000 newton. ठीक है, तो tangential force is now available. Now by this relation I can find the radial force. So radial force Fr is given by Ft tan alpha. So it is 2000 tangent of alpha. Alpha is 20 degree. Solve it.
2010-20 सॉल्व करिए कितना आ रहा है, इट इज कमिंग 727.940। वेरी गुड वेरी गुड, बस ऐसे ही ऐसा आप बताते जाएंगे तो काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। 727.94 न्यूटन, इट इज रेडियल फोर्स, और हमसे रेडियल फोर्स ही पूछा है, तो रेडियल फोर्स की अब इसमें यूनिट क्या दे रखी है, किलो न्यूटन, तो हम भी कन्वर्ट कर देते हैं इसको किलो न्यूटन में, सो इट इज 0.72794 किलो न्यूटन। कौन सा आंसर सही होगा, आंसर डी इज करेक्ट है ना, 0.72 7 तो ये 0.73 हो गया ना अप्रोक्सीमेटली, 0.73 किलो न्यूटन, सो आंसर डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई समराइज क्या किया इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन के लिए रेडियल फोर्स पूछा है तो एक तो हमें रेडियल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, पावर और आर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है मतलब आरपीएम दे रखी है एक तरह से, तो पावर और आरपीएम जब दे रखी है देन यू कैन फाइंड द टॉर्क, एंड आफ्टर फाइंडिंग द टॉर्क यू कैन फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स, एंड आफ्टर फाइंडिंग द टेंजेंशियल फोर्स यू कैन फाइंड द रेडियल फोर्स, ठीक है, सो क्वेश्चन इज इंटरेस्टेड इन रेडियल फोर्स, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करूंगा किसका आंसर आप लोग दें, पढ़िए क्वेश्चन खुद ही और आंसर बताइए, आपको इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा ये बताना है, ये फिल इन द ब्लैंक में आपको आंसर बताना है, सब अपना अपना क्वेश्चन पढ़िए और अपने अपने आंसर बताइए। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 केजी रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81, the coefficient of static friction between the floor and the block is 0.2, a horizontal force of 10 newton is applied on the block, as shown in the figure the magnitude of the force of friction on the block is, force of friction nikalna hai, aur force of friction ka formula kya hai, mu r hai na, ye hota hai force of friction, mu kya hai coefficient of friction, to mu hame kitna de rakha hai 0.2, और आर क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और मास कितना है 10 केजी, जी कितना है 9.81, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, एनीवन बताइए, कोई भी आप ना, देखो मेरे पास कितने पार्ट्स हैं, 120 फुल स्ट्रेंथ है ना, 120 स्टूडेंट्स आर विद मी, कोई भी जना बताइए क्या होगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या आना चाहिए, देखो मास 10 केजी है, ठीक है, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो गई है ना, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे आप तो वेट तो नीचे दिखाओगे है ना, तो वेट कितना हो गया 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का मतलब 10 into 9.81 न्यूटन हो गया है ना, फोर्स तो न्यूटन में होगा, सो इट इज 98.1 न्यूटन हो गया फोर्स, अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन आ गई ऊपर आर, ठीक है, इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू आर है ना, अब ये म्यू आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे है ना, तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो वर्टिकल फोर्स का इक्विलिब्रियम होने के लिए आर प्लस आर इक्वल टू डब्ल्यू होना चाहिए, सो आर इक्वल टू डब्ल्यू, तो यहां से हमें मिला आर इक्वल टू 98.1 न्यूटन, तो इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी 10 न्यूटन आ रहा है सर, वो 98.1 न्यूटन आएगी, ठीक है, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं बताइए, कोई कुछ कह रहे थे बोलिए, so r is 98.1 न्यूटन, तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, r की वैल्यू कितनी है 98.1 मल्टीप्लाई करिए 19, कितना आएगा 0.2 into 98.1 कितना हुआ 19.62
19.62 न्यूटन, 19.62 न्यूटन आ गया। तो अब इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा ये बताना है आपको, बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर होता है, म्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है 19.62, बताओ आप में से बताओ कोई भी, बहुत इजी प्रश्न है। इस खाली जगह में क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में, बहुत से लोग सोच रहे होंगे 19.62 आएगा, 19.62 नहीं आएगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये जो 19.62 है ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन वो पॉइंट होता है जब बॉडी में मोशन स्टार्ट होने वाली होती है, जब बॉडी में मोशन स्टार्ट होने वाली होती है, ठीक है। तो अभी बॉडी पर कितना फोर्स लगाया गया है, केवल 10 न्यूटन, ध्यान से देखिएगा राइट साइड में कितना फोर्स लगा हुआ है बॉडी पर, बॉडी पर जो फोर्स लगा हुआ है दैट इज ओनली 10 न्यूटन, ठीक है। तो 10 न्यूटन के बाद जब इस फोर्स को हम 11, 12, 13, 19.6 तक बढ़ाएंगे तब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके अंदर डेवलप होगा और तब बॉडी मोशन में आएगी। तो अभी 10 न्यूटन पे तो बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी इज अंडर स्टैटिक कंडीशन, कोई मूवमेंट नहीं है, है ना। तो जब 10 न्यूटन है तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन का फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की वो भी 10 न्यूटन होगी, ठीक है। तो इस एग्जांपल में यदि 5 न्यूटन का फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन होगा, है ना। 10 न्यूटन है तो 10 होगा, 15 है तो 15 होगा, 19 है तो 19 होगा, 19.1 है तो 19.1 होगा, 19.6 होगा तो 19.6 होगा। तो इस पॉइंट के बाद यदि आपने फोर्स बढ़ाया तो फिर ये फोर्स बढ़ेगा नहीं, देन बॉडी विल बी अंडर मूवमेंट, तब बॉडी के अंदर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, मतलब अब फ्रिक्शन और नहीं बढ़ेगा, बॉडी के अंदर मूवमेंट आ जाएगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर जो स्टेप फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो 10 न्यूटन ही लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, और उस क्वेश्चन को आप लोगों को करके दिखाना है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इस पीपीटी को क्लोज कर रहा हूं, पीपीटी मैंने क्लोज कर दी, स्टॉप शेयरिंग कर दिया। मैं जरा चैट विंडो देख लू, चैट विंडो में मोहित कुमार लिख रहे हैं 2000 न्यूटन, 727.94, 19.62, ठीक है, आप आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में, ठीक है, है ना, आपके सही आंसर। 2000 न्यूटन हमारा टेंजेंशियल फोर्स आया था, 727 हमारा फोर्स आया था, और 19.62 हमारा फ्रिक्शन फोर्स आया था, लेकिन वो फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स था, है ना, और बॉडी तो अभी लिमिटिंग में आई नहीं है, वो तो स्टैटिक कंडीशन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी 10 न्यूटन ओनली। Okay. Now I am sharing you another file. Yes. जरा बताएं आपको फाइल विजिबल है? क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? प्लीज बताइए. Is anything visible to you on screen? Yes or no करें. कुछ दिख रहा है? Gate preparation कुछ आ रहा है? Yes, एक वर्ड फाइल नजर आ रही है स्क्रीन पर? Yes, sir. Okay. अब इस वर्ड फाइल में देखिए, मैं जरा गेट क्वेश्चन ले लूंगा, इस वर्ड फाइल में मेरे पास पूरा कलेक्शन है गेट क्वेश्चंस का, ना मशीन डिजाइन के जो जो क्वेश्चंस आए हैं गेट में, तो 2013 में जैसे ये दो क्वेश्चन आए हैं और ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था, है ना, 2013 के क्वेश्चंस हैं, फिर ये भी 2013 के कॉमन डाटा फॉर क्वेश्चन 3 और 4, है ना, ये कुछ रिवेटेड जॉइंट पे क्वेश्चन है। मैं सीधा सीधा गियर वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, ये 2012 के क्वेश्चन हैं वेल्डेड जॉइंट के, गेट 2012 में आए हैं, ये क्वेश्चन है आपका ब्रेक का, ब्रेक ड्रम का,
इस तरह से ये बियरिंग का क्वेश्चन है। चलो बियरिंग का क्वेश्चन एक कर लेते हैं, बियरिंग भी हमें पढ़ना ही है। तो टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स पी एंड क्यू है ना, पहले इसी को करते हैं फिर गियर वाला एक करेंगे। तो बताइए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर बताइए। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास, कौन सा आंसर आपको ज्यादा सूट करेगा? यस, टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स पी एंड क्यू आर ऑपरेटिंग एट लोड्स 30 किलो न्यूटन 45 किलो न्यूटन। ठीक है, पी वाली बियरिंग पे ये लोड है, क्यू वाली बियरिंग पे ये लोड है। Respectively, the ratio of the life of the bearing P to the life of bearing Q is, तो देखो life का formula आपको पता है, L10 life आपने पढ़ा है, क्या होता है? C by P to the power K होता है। Everybody knows, L10 is C by P to the power K। तो अब ये दो bearing है, तो हम पहली bearing की life मान लेते हैं L1, तो वो हो जाएगी C मतलब dynamic capacity, और उस पर आने वाला load कितना है? 30 power K, जो भी constant होगा। बॉल बियरिंग है तो k की वैल्यू 3 होती है, आपको पता है बॉल बियरिंग के लिए k बराबर क्या होता है? 3। तो ये पहली बियरिंग की लाइफ हो गई है ना। अब दूसरी बियरिंग की लाइफ हो जाएगी c डिवाइडेड बाय लोड, लोड इज 45 पावर k। अब देखो c1 c2 मैंने क्यों नहीं किया, कि पहली वाली की कैपेसिटी c1 दूसरी की c2 मैंने क्यों नहीं किया? बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स। तो आइडेंटिकल होने का मतलब ये है कि उनकी जो डायनेमिक लोड कैपेसिटी है वो सेम है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई सी जे कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, तो सी बाई 30 पावर के, सी बाई 45 पावर के, L1 बाई L2 का हमें निकालना है। तो L1 बाई L2 क्या हो जाएगा भाई? सब कुछ कट जाएगा है ना, सी बाई 30, सी बाई 45 और पावर के, डी ऑप्शन हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएंगे। आपने आंसर निकाल लिया, वेरी गुड। तो 45 बाई 30 पावर 3, तो ये 15 3 45 15 30 3 2 2 3 27 8 बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको लाइफ का फॉर्मूला है पता होना चाहिए, इट इज सी वाई पी टू द पावर की। ठीक है, के की वैल्यू 3.33 होती है रोलर बियरिंग के लिए, बॉल बियरिंग के लिए 3 होती है। आगे चल रहा हूं मैं, ये आपका वही क्वेश्चन है, बोल्टेड जॉइंट का स्टील लिंक, कॉमन डाटा बहुत आता है क्वेश्चनों में, दो क्वेश्चनों का एक ही कॉमन डाटा है। जनरल बियरिंग का क्वेश्चन है ना, ये भी जनरल बियरिंग का है। अभी हम गियर का क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर वापस इस पर आ जाएंगे जनरल बियरिंग वाले को। ये आ गया एक क्वेश्चन इस पर गियर का ना, एक ये क्वेश्चन और ये भी गियर का। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, कहीं कुछ डायग्राम सा बना हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन सा पढ़ लेते हैं, स्टडी करिए और बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 1/2 ऑफ ए गियर, ये एक आपको टूथ दिखा रखा है ना, टूथ, दिस इज ए टूथ, 4 मॉड्यूल, मॉड्यूल की जो वैल्यू है दैट इज गिवन 4 मिलीमीटर। टीथ है ना पूरे गियर पर, जो नंबर ऑफ टीथ हैं, जितने भी टीथ हैं, दैट इज 32। अभी यहां पे डायग्राम में एक टीथ दिखा रखा है ना, ओनली वन टीथ, बट टोटल टीथ आर 32। अज्यूम दैट द गियर टूथ एंड द करस्पोंडिंग टूथ स्पेस, ठीक है, गियर टूथ एंड द करस्पोंडिंग टूथ स्पेस मेक इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द पिच सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो देखो ये तो कहलाती है दिस पार्ट ए बी, और इस पॉइंट को मैं लेता हूं सी। तो ए बी तो कहलाता है टूथ विथ, है ना, इट इज द टूथ विथ, और बी सी जो कहलाता है दैट इज नोन एज टूथ स्पेस। दो टूथों के बीच में क्या स्पेस है ना, सो दिस इज टीथ नंबर 1, दिस इज टूथ नंबर 2, so BC is the gap between the two tooth, is the gap between the two tooth, so BC is the tooth space, AB is the tooth width, correct? ये बात आपको clear हो गई। Now assume that make equal intercept,
इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू बी सी, जितना टूथ विथ है उतना ही टूथ स्पेस है ना। जनरली टूथ स्पेस टूथ विथ से थोड़ा सा ज्यादा होता है एक्चुअली, क्योंकि यदि ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, पिनियन का टूथ गियर के टूथ में फंस जाएगा, है ना, अंडरकटिंग शुरू हो जाएगी, है ना, उनके बीच जैमिंग शुरू हो जाएगी, जैम हो जाएंगे दोनों टूथ आपस में। तो बी सी मस्ट बी स्लाइटली मोर देन ए बी, देयर मस्ट बी सम क्लियरेंस। बट इन क्वेश्चन फॉर द कैलकुलेशन पर्पस इट इज गिवन दैट बोथ आर इक्वल, है ना, ये लिख दिया है करेस्पॉन्डिंग टूथ मेक इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मींस टूथ विथ इक्वल टू टूथ स्पेस ऑन द प्रिज्म। द डायमेंशंस ए एंड बी, डायमेंशंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर क्लोजेस्ट टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो ए डायमेंशन ये है, बी डायमेंशन ये है, टूथ की मतलब एक तरह से ये पूरी जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बी है, ऑरिजेंटल ए जो है वो टूथ विथ है। ए क्या है, बेसिकली इट इज टूथ विथ ए बी, तो टूथ विथ भी बतानी है और आपको टूथ हाइट भी बतानी है एक तरह से, है ना, मतलब बी भी बतानी है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा दैट यू हैव टू टेल। 6.084, 6.484, 4.2, चार फोर ऑप्शन सर की, बताओ कैसे करेंगे, एनीवन How can we proceed? हाँ जी, कोई भी बताए, मेरे साथ पार्टिसिपेंट है 123, वेरी गुड। राहुल शर्मा है क्या क्लास में, राहुल शर्मा मुझे सुन पा रहे हैं तो रिस्पॉन्ड करें। How can we proceed? अच्छा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, हमें क्या निकालना है और क्या गिवन है, ये तो क्लियर हो गया होगा। एम आई ऑडिबल और नॉट सर? आई एम ऑडिबल, है ना, गुड। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें, मैं जरा सा आपको आइडिया देता हूँ, हिंट देता हूँ, लेट आई गिव सम आइडिया। तो चलिए ये हमारा कौन सा सर्किल है, ये डॉटेड जो सर्किल दिखा रहा है ये कौन सा सर्किल है, इट इज ए पिच सर्किल, इट इज ए पिच सर्किल। तो इस पिच सर्कल को मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, या फिर मैं चेंज कर ही लेता हूँ कलर। इसी तरह से काम कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये आपका पिच सर्कल बना दिया, दिस इज द पिच सर्कल। अब यहां पर एक सेंटर होगा गियर का, लेट दिस इज द सेंटर ओ, ठीक है, ओ से मैंने एक वर्टिकल लाइन पास कर दी, ठीक है, ओ से मैंने एक वर्टिकल लाइन पास कर दी, दिस इज द वर्टिकल लाइन। और मान लीजिए इस ओ से लेके ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, गियर की एक तरह से रेडियस है, इट इज द रेडियस ऑफ द गियर, करेक्ट। अब इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूं ए और इस पॉइंट को मैं नाम ले लेता हूं बी, ठीक है, इसको भी मैंने जॉइन कर दिया। सो OA इज द रेडियस, OB इज आल्सो द रेडियस, बोथ आर रेडियस, एंड लेट दिस एंगल इज थीटा ना, और टोटल एंगल इज थीटा, सो इट इज थीटा बाई टू, और आई कैन से इट इज थीटा, this is also theta, so total is 2 theta, this is the theta, let this point is x, this point is x, so in this question I have given module, yeah? Once the module is given I can find the circular pitch, I can find the circular pitch। सो सर्कुलर पिच इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है सर्कुलर पिच का, पाई टाइम्स मॉड्यूल। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई टाइम्स मॉड्यूल। सो मॉड्यूल इज गिवन 4,
So circular pitch is four times pi. So it is 4 pi millimeter. 4 pi millimeter. ये हमारी सर्कुलर पिच है। अब सर्कुलर पिच कहां से कहां तक होगी? ए से लेके बी तक तो टूथ स्पेस है, टूथ विड्थ है। बी से सी तक आपका टूथ स्पेस है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म। देखो वो भी फर्क है, जैसे ए से एक्स तक यदि मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दू, मान लो मैं ऐसे ड्रॉ कर दू ऐसे, तो ये जो लीनियर एबी है ये तो टूथ विड्थ है, और ये जो कर्व एबी है ये आपके सर्कुलर पिच का आधा पार्ट है, सर्कुलर पिच का हाफ है। क्योंकि सर्कुलर पिच कहां से कहां तक होती है? फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, है ना। एसी इज द सर्कुलर पिच, एसी इज द सर्कुलर पिच। तो एसी की वैल्यू 4 पाई दे रखी है हमें, हमने कैलकुलेट कर लिया 4 पाई। तो जब एसी 4 पाई है तो एबी कितना होगा? तो एबी की वैल्यू जो होगी वो 4 पाई का आधा यानी कि 2 पाई होगी, है ना, 2 पाई। तो ये एबी 2 पाई है। जब एबी 2 पाई है तो फिर एक्स भी कितना होगा? वो एबी का भी आधा है, एबी का भी आधा है ना। तो एक्स भी विल बी 2 पाई बाई 2 यानी कि ओनली पाई। तो ये जो एक्स भी है ये हमारा कितना पार्ट है? इट इज ओनली पाई। ये पाई निकल के आ गया x से लेके b तक, और a से लेके x तक ये भी पाई है, ठीक है। अब देखो एंगल है थीटा और ये वाली डिस्टेंस जो है वो है पाई, पाई b, है ना, x b जिसका नाम है। तो x b कैन बी रिटन एज r थीटा, ठीक है, x b कैन बी रिटन एज r थीटा। एंगल इनटू रेडियस, एंगल इन रेडियंस इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस क्या होता है? लेंथ ऑफ द आर्क, है ना, लेंथ ऑफ द आर्क। तो एक्स बी इज द लेंथ ऑफ द आर्क, सो लेंथ ऑफ द आर्क कैन बी फाउंड बाय आर थीटा। सो हियर एक्स बी इज पाई, आर इज द रेडियस, ठीक है, आर इज द रेडियस। अब रेडियस को कैसे निकाल सकते हैं? देखो मॉड्यूल क्या होता है, डी बाई टी, d को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रेडियस डिवाइडेड बाय t, t या z कर लो, t नंबर ऑफ d t बाय z। सो 2r बाय z, z कितना दे रखा है 32, सो 2r बाय 32, और मॉड्यूल कितना दे रखा है 4, सो 2r बाय 32 इज 4, 2 2s are 4, सो r इक्वल टू 32 * 2, सो r इक्वल टू 64 है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो गियर की रेडियस है वो 64 है और डायमीटर 128 है, तो r की वैल्यू 64 है। तो आई कैन पुट 64 हियर एंड आई कैन फाइंड थीटा फ्रॉम हियर, ठीक है, थीटा निकल जाए। थीटा निकाल के बताइए कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 64, है ना, यही हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 64, सॉल्व करिए जरा कितना आएगा, पाई डिवाइडेड बाई 64, 0.049 रेडियन आ रहा है ना। सो थीटा इक्वल टू 0.049 रेडियन। अब इस थीटा को यदि हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर दें, तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई करिए, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, कितना आ रहा है कोई बताइए, 2.81 डिग्री आ रहा है मेरे पास, है ना। मैं भी कैलकुलेटर लेके बैठा हूँ, आप भी क्लास में कैलकुलेटर लेके बैठा करिए, मशीन डिजाइन की क्लास में कैलकुलेटर इज मस्ट। हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, 2.81 आ रहा है, यस सर, हाँ गुड। सो 2.81 डिग्री इज माय थीटा, ठीक है। तो ये 2.81, ये भी 2.81, ये पूरा एंगल कितना हो गया 2.81 का 2 टाइम्स एक तरह से, है ना। चलिए अब ये 2.81 एंगल मुझे पता है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल पे ध्यान देना, एक पॉइंट O, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं P, एक पॉइंट ले लेता हूं Q, O P Q, ट्रायंगल पे ध्यान दो, ट्रायंगल O P Q। अब इस ट्रायंगल में एंगल पता है,
तो आप पी क्यू नहीं निकाल सकते, पी क्यू रेडियस मालूम है 64, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, आर कॉस आर साइन थीटा, तो आर की वैल्यू क्या है 64 साइन थीटा, थीटा इज 2.81, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 64 साइन 2.81। सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है, पी क्यू 64 साइन 2.81, कितनी वैल्यू आ रही है, इट इज कमिंग 3.137, ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू हो गई 3.137 मिलीमीटर। अब देखो जितना पी क्यू है उतना ही ए पी है, तो ये 3.137 है तो ये भी 3.137, दोनों को प्लस करके हमको ए क्यू मिल जाएगा, और जो ए क्यू है वही हमारे क्वेश्चन में क्या है, ए है, ए क्यू जो ए क्यू है वही हमारे क्वेश्चन में ए स्मॉल ए है, तो 3.137 का डबल कर दीजिए इंटू टू कितना आया 6.275, है ना, डबल करने पर मुझे आया 6.275, तो मेरी ए की वैल्यू 6.275 होनी चाहिए। अब ऑप्शन देखिए 6.08 ये तो गलत हो गया, 6.48 ये भी गलत हो गया, 6.28 ये ठीक है, और यहां भी 6.28 ये भी ठीक है, तो सी और डी में से ही कोई एक आंसर है ना, ए और बी तो नहीं है, तो 6.275 इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया मैंने 6.28, तो ये 6.28 तो मेरा इसमें भी है इसमें भी है, तो सी और डी में से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, मतलब कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ए निकल गया, बी निकालना देता हूं आपको, यहां तक क्लियर है, अभी बी भी निकालेंगे, बी कितना ज्यादा अंतर नहीं है 4.3 4.1, ऑप्शन सी में 4.3 है, ऑप्शन डी में 4.1, उसको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा ना, तो चलिए एग्जैक्ट निकालते हैं, इसी ट्राइंगल में काम करेंगे दोबारा से, ओ पी क्यू इसी ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आप ओ पी निकाल लो, तो ओ पी, ओ पी बराबर क्या होता है आर कॉस थीटा, है ना, पी क्यू बराबर आर साइन थीटा, ओ पी बराबर आर कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू 64 कॉस थीटा, थीटा कितना है 2.81, सॉल्व करिए 64 cos 63.92, ठीक है, अब एक पॉइंट और ले रहा हूं ये वाला, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का कोई नाम है सपोज आर, तो ओ आर की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, ओ आर भाई ओ आर तो रेडियस है ना, देखो ओ ए भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ आर भी रेडियस है, ये तो सर्किल है ना, पिच सर्किल, पीसीडी तो पिच सर्किल है, तो ओ ए ओ बी ओ आर ये सब रेडियस है, तो ओ आर की वैल्यू कितनी है 64 mm। अब ओ आर में से यदि हम पी आर घटा दें, ओ आर में से यदि हम पी आर घटा दें तो हमारा स्मॉल बी निकल के आ जाएगा, देखो यहाँ पे पॉइंट सेंटर है ऐसे बन रहा है, ये ओ आर है पूरा, और ओ आर में से यदि हम पी आर घटा दें तो हमारा स्मॉल बी निकल के आ जाएगा, तो ओ आर में से पी आर घटा दो ये हमारा स्मॉल बी आ जाएगा, अब ओ आर 64 है और पी आर हमारा कितना निकल के आया है बताओ, ओपी, ओपी हमारा कितना निकल के आया, ओपी घटाइए तो पी आर निकल के आया है ना, तो ये 63.92 करेक्ट, ओ आर में से मैंने ओपी घटाया है तो पी आर निकल के आया है ना, तो ये पी आर की वैल्यू निकल रही है पी आर, तो 64 में से 63.92 घटाइए, 64 minus 63.92 0.08 mm, ठीक है, अब देखो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 0.08, ठीक है, अब ये कितना है मॉड्यूल, ये मॉड्यूल है राइट,
मॉड्यूल में यदि हम ये पीआर जोड़ दें जो 0.08 निकल के आया है, तो मॉड्यूल प्लस 0.08 करें तो हमारा स्मॉल बी निकल के आएगा। तो स्मॉल बी विल बी गिवन बाय मॉड्यूल प्लस 0.08। अब मॉड्यूल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4, तो 4.08 यानी कि 4.1 हो गया अप्रोक्सीमेटली। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सी भी गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब मैं जस्ट कॉल करूं 2 मिनट में, मेरी भी वेरी गुड, हाँ मेरी भी क्लास चली, मैं आपको मिलाता हूँ 2 मिनट में जस्ट। तो हमारा ये आ गया ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सिंपल मैथमेटिक्स है। पीसीडी है मेरे पास, पिच सर्किल है, सेंटर ऑफ द गियर है, रेडियस मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। मैंने इस एंगल को निकाला है, एंगल निकालने के बाद मैंने ये आर साइन थीटा से ये निकाला है, उसका डबल कर दिया है तो स्मॉल ए आ गया, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस निकाली है, रेडियस में से ये वर्टिकल डिस्टेंस घटाया तो पी आर आ गया, और इस पी आर को जब मॉड्यूल में जोड़ दिया तो मेरा स्मॉल बी आ गया। सो फाइनल आंसर इज डी, ठीक है। अपने आप करिएगा, थोड़ी लंबी मैथमेटिक्स, लंबी कैलकुलेशन है इसमें, और यदि कोई मान लो आपको डाउट है देन वी कैन अगेन एक्सप्लेन इट, मैं कल की क्लास में भी इसको ले सकता हूँ दोबारा, बाकी अब टाइम हो गया है, कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ यस यस बोलिए सर, मीटिंग 2 मिनट चलने दे सकते हैं सर? हाँ हाँ क्यों नहीं, ओके सर थैंक यू। अच्छा चलने दे सकते हैं, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, 2 मिनट हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, यस मोहित कुमार मुझे सुन पा रहे हैं? मोहित कुमार अनम्यूट कर लीजिए, जिसका भी मैं नाम लूं वो अनम्यूट कर लिया करें। मोहित कुमार चलो, कोई और बताइए, मतलब कोई और डाउट हो तो प्लीज बोलिए, कोई डाउट नहीं है किसी का है, वेरी गुड, ठीक है। तो यू मे लीव नाउ एंड आफ्टर 2 मिनट्स आई विल एंड द मीटिंग, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा 2 मिनट आप चलाना क्यों चाहते थे मीटिंग, ये तो बताइए। कुछ लेट ज्वाइन हुए थे क्या आप दूसरा सर? हाँ सर, ये दूसरी वाली जो थी इसमें थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था तो डिले हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है तो 2 मिनट में आपका हो जाएगा पूरा 40 मिनट्स? यस सर, 20 सेकंड में हो जाएगा। अरे वाह, जैसे ही हो जाए तो आप बताना, आई विल एंड इट, ओके। चलिए कल पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा टुमारो के सेशन में थोड़ा सा पढ़ के देख के आइएगा, बियरिंग वगैरह को, गियर वगैरह को, और जो भी आपकी डाउट्स हों वो भी नोट डाउन करके लाइएगा। कल हमारा जो क्या टाइमिंग है टाइम टेबल में देख लीजिएगा, उसी टाइम पे आई विल स्टार्ट। ओके सर, हो गया सर, थैंक यू सर, हो गया, ओके चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।